यार ये देख रहे हो 100 रुपए का नोट है और 100 रुपए के अंदर कभी आपने सुना भाई 12 आइटम्स मिलती हो, वो भी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये नहीं कि सब्जी अनलिमिटेड, यहाँ पे चपाती सब्जी स्नैक्स सारा कुछ अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ। अपना जो वेट है ना बॉडी का 60 किलो लेके आओ, 65 करके जाओ, इतना मर्जी खाओ और वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में। तो आओ फटाफट आपको बताता हूँ है क्या चीज़। अभी मैं आ गया हूँ थाली प्रेम के अंदर, यहाँ पे मैम है, सर है, आप दोनों ओनर्स हो ना यहाँ के? यस जी। तो थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया अपना। मेरे को पता लगा सर का लैंग्वेज बैरियर है, इनको हिंदी आती नहीं है, राइट? केरल से है, ठीक है। तो मैम एक बार अपना नाम बता दो आप। जी, मेरा नाम प्रियंका है। ठीक है, तो ये कब आपने स्टार्टअप किया और अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ क्या है? जी, 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। जो मेन यहां का कांसेप्ट है वो बुफे है जस्ट रुपीस 99, जहां पे आपको 99 रुपीस में से 12 प्लस आइटम्स मिलते हैं। प्राइस मैम सही बताया आपने, 99? बिल्कुल 99 प्राइस, 99 में 12 प्लस आइटम्स। जी, अनलिमिटेड फूड। क्या बात है, एक बार आइटम्स दिखाओगे मैम क्या क्या है यहाँ पे? जी प्लीज। तो प्रियंका मैम ये अपना बफे एरिया जी, राइट? तो दिखाइए मैम एक बार क्या क्या है 12 आइटम्स में। तो भाई ये आ गई पहली आइटम। पहले यहाँ पे है वो है कढ़ाई पनीर है। ओ भाई, देख सकते हो आप 99 में कढ़ाई पनीर भी। Okay, ये रेगुलरली चेंज होता है मेन्यू अपने या फिक्स रहता है मैम? जी नहीं, चेंज होता है इसमें ना। ओके, जैसे पनीर की जो ये है क्या बोल सकते हो, वैरायटी चेंज होती है इसमें। तो बहुत बढ़िया, दाल वगैरह में चेंज है, राजमा डेली खाने आ रहा है तो उसको चेंज मिलता रहेगा। अब ये क्या मैम? जी यहाँ पे जो है ये येलो दाल फ्राई है। वाह, ये दाल तड़का येलो, ये आ गई जी न्यूट्री, बहुत ही बढ़िया जी। ये भी रेगुलर चेंज होता रहता होगा मैम? जी ये रेगुलर चेंज होता है, कभी इसकी जगह पे मिक्स वेज होती है या कभी जीरा लो। ओ भाई ये चेक करो, ये तो दाल लग रही है जी, ये है दाल मखनी। वाह, दाल मखनी और ऊपर ढेर सारी क्रीम डाल के जी, बहुत ही शानदार। और आपने बताया 12 आइटम्स है, और ये टाइमिंग क्या रहती है अपने बफे की? जी जो टाइमिंग है आफ्टरनून की टाइमिंग है 12 to 4:30, और जो इवनिंग में रहती है टाइमिंग वो रहती है 6:30 to 9:10:30। ओके जी, तो यार लंच और डिनर दोनों का यहाँ पे इंतजाम है, आप आओ और 99 में जी भर के खाओ। 99 में इंक्लूडिंग टैक्स? नहीं, जो GST है इस पे 5 रुपीज लगते हैं, तो फाइनल प्राइस है वो है 104। 5 रुपए में कोई बुरा नहीं है, ये दिखाना मैम। अब ये खुल रहा है जी एक अलग संदूक, अब इसमें दिखते हैं वो भाई पास्ता। ओके, तो स्नैक्स में यार आपके पास पास्ता भी है जी, बहुत ही बढ़िया। और आगे क्या मैम? ये आ गया जी चाउमीन, मिल जाएगा वो है चाउमीन, वेरी नाइस जी, बहुत ही बढ़िया, फुली वेज। और इसमें क्या रहेगा जी? ये आ गया जी राइस, स्टीम राइस जी। तो काफ़ी अच्छा मेन्यू है, एक बार सामने पड़ा देखो, काफ़ी नीट एंड क्लीन सेटअप है। और इसमें क्या मैम जी? यहाँ पे जो है सैलेड में है, यहाँ पे सैलेड आ गया जी, कुकुम्बर आ गए फ्रेश जी, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो है खीर है। ओके, स्वीट डिश भी अपने पास जी? स्वीट डिश भी 99 में, स्वीट डिश? यस सर। तो बहुत ही बढ़िया यार ये सेटअप है, बाकी अभी आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं कैसा सिस्टम है। तो बफे सारा हमने देख लिया, अब आपको पता क्या क्या है। तो भाई बफे आने का फायदा तो ये ना, जब स्वाद पता लगे, तो स्वाद पता लगेगा। अब आओ यही है जी प्लेट, अब ये प्लेट चेंज हो गई है, पंजाब में ना सारे बफे में मिलती है वाइट प्लेट, पार्टीशन वाली है ये वही प्लेट, पर ये होगी भाई यहाँ पे आगे काली। वाह क्या सीन है। स्वीट डिश और उधर सलाद दोनों अभी नहीं लेंगे हम, शुरू करते हैं आओ चाउमीन से। पास आके देखो, ऐसे दूर से नहीं, भूख लगवानी है ना, तो क्लोज अप ये देखो, बढ़िया वेजिटेबल वाली अच्छी अच्छी चाउमीन। अब इसको लेते हैं ऐसे, एक और चीज़ बढ़िया यार, कई बार प्लेटिंग करते हो ना इधर उधर सब्जी हो जाती है, तो मेरे को मैसी लगता है वो, ये काले रंग की प्लेट है, इसमें मैसी नहीं ज़्यादा लगेगा। अब ये है जी पास्ता, सूखा सूखा पास्ता है, बड़े जो होते हैं ना उम्र के हमारे जैसे, जो ना जवान रह गए ना बूढ़े हो गए, बीच में खड़े हैं, उनको ऐसा पास्ता बढ़िया नहीं लगता, उनको लगता है ग्रेवी वाला पास्ता बढ़िया, ये पास्ता होता है बच्चों की पसंद। अब ये आ गया जी छोले, और बड़े हट्टे कट्टे मोटे मोटे छोले, और एकदम बढ़िया सी ग्रेवी, और साथ में इधर है जी न्यूट्री, इधर आओ। अब ये न्यूट्री, ओए ओए भाई सख्त, देख रहे हो गर्म कितनी है, बाहर ठंडे इसको कोई फ़र्क नहीं है, पूरी गर्मा गर्म। अब ये रही न्यूट्री, और आ गया जी दाल, ये रही दाल, वाह बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को लग रहा है मैंने ना नूडल यहाँ पे डाल के गलती की है, सब्जियाँ अब कैसे डालूँगा दो,
बट कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। अब आगे आओ ना, 99 दिए तो भाई हम दाल हो न्यूट्री हो जितना मर्जी हो पैसा नहीं वसूल कराएगी। पैसा कराएगी ये जो है ना सफ़ेद सोना पनीर, ये लेते हैं। जैसा रेंचो ने बोला था, हमारा दोस्त उदास था पर हमारे सामने पनीर था, हमने कहा छोड़ो यार। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। यार ये प्लेट तैयार है, ये सामने आ गया जी चपाती तंदूरी रोटी बढ़िया घी भी लगा के, और ये है पनीर, कढ़ाई पनीर है, यहाँ पे शाही पनीर मटर पनीर ऐसे चेंज होता रहता है। ये जी यहाँ के छोले, वाह आज फॉरन चेंज पनीर की जगह छोलों से शुरुआत करते हैं। पास आओ पास। छोले ना बफे वाले छोले नहीं है, बफे में ऐसी चीज़ें मिलती नहीं, इसमें ना थोड़ा वर्क किया है, खड़े मसाले बढ़िया डाले हैं, स्वाद अच्छा है छोलों का। क्योंकि बफे में जितने मैंने छोले खाए ब्लैंक से ही होते हैं, बट ये थोड़े फ्लेवरफुल हैं। अभी आ गई जी पनीर आ गए। आइटम्स में येलो दाल भी थी ब्लैक दाल भी थी, बट हमने किया जी पैसे पूरे करने वाली बात, तो वो आइटमें डाली हैं जो नॉर्मल मार्केट में महंगी मिलती हैं। बफे में ना भाई मेरे को एक ही चीज़ लगता है, सब बफे में ना पनीर का स्वाद एक जैसे ही होता है। एक कढ़ाई पनीर है और ये भी हल्का हल्का मीठा मीठा है। चाहे आप 99 ले लो, चाहे 170 ले लो, 250 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, भाई पनीर एक जैसे ही मिलता है। तो क्वालिटी ठीक है पनीर की पर मीठा मीठा है। तो बाइट का अभी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि दो सब्ज़ियाँ ली थी मैंने, सिर्फ वो ख़त्म हो गई। अब आ गया हो जी पास्ता। ये है जी उन भाइयों के लिए जो छोटा भीम देखते हैं अभी भी, छोटा भीम वाले जो दोस्त है ना 9 से 14 साल वाले, उनको बढ़िया लगता है। और छोटा भीम बुरी चीज़ नहीं है, स्वाद है पास्ता। आगे वो नूडल, नूडल फटाफट आओ फटाफट, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। लाइक कर दिया हुआ आपने मेरे को पता है। ये जी बढ़िया नूडल गुड वेजिटेबल्स के साथ, बढ़िया नूडल्स है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं कम स्पाइसी नहीं, एकदम बराबर फ्लेवर है। कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई 100 रुपये के अंदर ना पैसा पूरा वसूल है। नूडल खा जाओ, पास्ता खा जाओ, एक दो चपाती भी खा जाओगे ना, स्वीट डिश खा लोगे थोड़ी सी, तो पैसे पूरे हैं 100 रुपये। तो आज की डेट में भाई जाम बैठे हैं जिस एरिया में, 100 रुपये में कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसा थाली भर के यहाँ पे मिल जाएगा। लोकेशन यहाँ की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एग्जैक्ट, वहाँ पे क्लिक करोगे ना गूगल मैप सीधा गाड़ी यहीं आकर रुकेगी। तो आ जाना खा जाना और वीडियो लाइक किए बिना मत जाना। और एक और बात भाई, 100 रुपये में इतना सारा कुछ मिल रहा है ना, एक 15 साल का भाई है जलंधर में 150 रुपये में ना इतनी बड़ी थाली दे रहा है भाई 1.5 किलो की, वो वीडियो भी देखना अभी आएगी सामने, पक्का नहीं देखी होगी।